और अरे 8 बजे के बजाय 9 बजे तक बढ़ा देना ना। श्री प्रताप पुरी जी, अरे पूरा तो करने दो, आप पूरा तो करने दो। नहीं श्री राम, आप बोलने तो दो। आपके द्वारा लिखा हुआ है, बैठिए आप। परिवर्तित 2024-25 पर विगत 3 दिनों से सदन के लिखा हुआ है, सभी सम्मानित के हिसाब से समय दिया जा रहा है। यहाँ भी अपने विचार इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया जा रहा। उसी कड़ी में मुझे भी अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया है। मैं आसन का आभार प्रकट करता हूँ। खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, आरोग्य युक्त प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था, गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और सबका विकास सबका विश्वास के कृत संकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राजस्थान में प्रस्तुत उक्त परिवर्तित बजट बहुत ही उत्तम एवं प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए विकासशील पथ अग्रसर करेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस पवित्र वेदी सदन में विपक्ष में विराजे हुए माननीय सदस्यों को मेरी भावना उल्लेखित निम्न काव्य के संदेश के माध्यम से करता हूं, क्योंकि मेरे से भी पहले सभी शायर और शायरियों में बात की। मैं संत की भाषा में बात करूंगा। अहंकार का भाव नहीं रखूं, न किसी पर क्रोध करूं, देखूं दूसरों की बढ़ती को, कभी न किसी से ईर्ष्या भाव करूं। मैं भी आपसे आशा रखता हूं कि इसी भाव से हम सब लोग समगच्छध्वम समवदध्वम सम्भो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते, इस पथ पर चल करके राजस्थान के विकास में किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार न रखते हुए विकास पर ले जाने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। भारत देश की जनता तीसरी बार मोदी जी को एवं NDA सरकार को अपना प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हुए राजस्थान और भारत की सत्ता को हाथ में दिया है। इसलिए पूरे राजस्थान की जनता और भारत की जनता को मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि ये सुअवसर जनता की सेवा करना सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा धर्म सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्य गम्य सेवा करने का मौका मिला है। निश्चय ही NDA की सरकार राजस्थान में नहीं भारत में, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ की जनता की सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ माननीय विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी अवधारणा आपकी बहुत अच्छी है और अच्छी रहेगी, ये मैं आशा रखता हूँ। और यही हमारा कर्तव्य बनता है और यही हमारा धर्म बनता है। नेता बनने के बाद वो हम सब का है और हम सब का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका सम्मान देश का सम्मान है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान पूरे राजस्थान का सम्मान है। इसी भावना से हम सब लोग उनका सम्मान करेंगे। आगे से कोई ऐसा भाव न हो जो किसी प्रकार से राजस्थान को या देश के प्रति हमारे प्रति भावना कोई कुंठित हो। ये भी सत्य है कि आप विपक्ष में विराजे और हम लोग पक्ष में बैठे हैं, ये सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, कभी विपक्ष और पक्ष, परंतु राज्य के विकास में हम सबको एकजुट होकर के, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जो हमारे से बहुत वरिष्ठ है जो सलाह दी, मुझे बहुत हृदयंगम हुई है कि यही भाव और यही कर्म करने के लिए हम सबको जनता ने चुन करके यहाँ भेजा है। केवल हम या 200 जो बैठे हैं इतने ही नजरें और दृष्टि हमारे पर नहीं है, पूरे प्रदेश और पूरे देश की एक एक पल हमारे ऊपर नजर रह रही है। सब हमें देख रहे हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि तो गए हैं वो किस प्रकार से बातें करते हैं, क्या उनका व्यवहार होता है, कैसी योजना हमारे बारे में बनाई जाती है। इसलिए पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है, आइए राजस्थान के विकास की बात करें। राजस्थान को अग्रणी ले जाने में हमारा सबका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए विपक्ष में विराजे हुए आपकी भी वही भूमिका रहनी चाहिए जो विपक्ष की गरिमा में भूमिका है। मैं इस बजट के बारे में निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने बजट जो दिया है वो अकल्पनीय है, अतुल्य है, प्रशंसनीय है और विजन के साथ है। यदि कोई इसमें वाद विवाद के माध्यम से हमें कोई बात रखनी है, आइए आपके सुझाव किस प्रकार से विकास से बात करनी है वो भी उन पर विचार जरूर किया जाएगा। इस बजट में
मेरी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी उसके लिए भी पोकण की जनता और मैं स्वयं बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद भी करता हूं। फिर भी कुछ आशाएं उपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम सबका कर्तव्य बनता है कि जनता के लिए यहां आए हैं तो जनता के लिए मांग भी रखेंगे। तो मैं इस सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार के सामने मेरी कुछ सुझाव और मांगे रखूंगा जो आपके पटल से सरकार तक पहुँचेगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र पोकण पश्चिमी राजस्थान का आप सब जानते हो दूरस्थ क्षेत्र है, और मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पोकण विधानसभा 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं है, 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। आप कल्पना कीजिए, और मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप सब वहां पधारें, मेरी विधानसभा का भौगोलिक और सामाजिक संरचना को आप पधारें, आपका स्वागत है। तो पता चलेगा कि पोकण की जनता किन विषम परिस्थितियों में जी रही है, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं। 70 साल देश स्वतंत्र होने के बाद भी आज दिन तक ढाणियों में बैठे हुए लोग सड़क, लाइट, पानी से वंचित हैं। आइए आप भी उनकी जनता, वो भी देश के नागरिक हैं, उनको भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार शहर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी सुविधाओं के लिए कहता है, ठीक ऐसे मानव अधिकार के आधार पर वहां की जनता को भी सड़क मिलनी चाहिए। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, वहां जनसंख्या को आधार में रख वहां भौगोलिक परिस्थिति और विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां की योजना बने। जिस प्रकार से आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा को ध्यान में रखते हुए आपने योजना बनाई, ठीक ऐसे पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय सुविधाओं देने के लिए वहां की योजना बननी चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे मुरबा में जो किसान रहते हैं, किसानों को फसल करना अति आवश्यक, क्योंकि उसकी आजीविका का आधार वही है। अब यदि वो मुरबे सिंचित करें और 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अपने 5 या 6 साल के बच्चे को स्कूल में कैसे भेजेगा, उसके लिए योजना क्या बनेगी। आप तो दूरियां नहीं रख करके जनसंख्या रखोगे, तो मुरबा में जनसंख्या नहीं है, वहां दूरियां को ध्यान में रखते विद्यालयों का भी निर्माण होना चाहिए, चिकित्सालय भी होनी चाहिए और सड़क भी होनी चाहिए। वहां का रेगिस्तान है, आप सड़कें जो बना रहे हो, सबसे ज्यादा विशेष कोटा रेगिस्तान को देना चाहिए। ना वहां मोटरसाइकिल चलती है, ना वहां साइकिल चलती है, ना सिविल गाड़ी चलती है, वहां चलते तो ऊंट चलते हैं या फोर व्हील गाड़ी चलती है। इसलिए सड़कों का भी यदि जाल बिछाना है तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आपको देना चाहिए, तब राजस्थान का विकास दिखेगा आपको, वहां की जनता की आवाज दिखेगी, चिकित्सा का भी दिखेगी। मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पोकण की जनता आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। मैं दूसरी बात करूंगा, आप सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे क्षेत्र के ही कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री जी ने सरकार की जो योजनाएं बनी उन योजनाओं को सीमित करना शुरू किया। मैं सत्य कह रहा हूं, दुर्भावना रहित कह रहा हूं, उन्होंने व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष और विशेष समाज के लिए जरूर योजना बनाई, क्षेत्र के लिए योजना नहीं बनाई। वक्त बोर्ड को मजबूत किया, अल्पसंख्यकों के छात्रावासों की जो जमीन अलॉटमेंट की, जो आबादी भूमि थी, सरकारी ऑफिसों के लिए जो जमीन थी, उनको वक्त बोर्ड को और अल्पसंख्यक छात्रावास को दे करके उनका विकास जरूर किया, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो हमारे सरकारी जो भी कार्यालय बनने चाहिए उनकी जमीन आरक्षित उनके पास रहनी चाहिए और आबादी के लिए आबादी के रहनी चाहिए। उसके बाद देश का विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, हम भी चाहते हैं कि उनके भी भले छात्रावास बने, परंतु नियम को तर्क संगत रखते हुए करा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात कहूंगा कि पिछली सरकार में मेरे क्षेत्र में बहुत बड़े घोटाले हुए, और उसमें सबसे बड़ा घोटाला गायों को चारा लेकर के और किस अल्पसंख्यक छात्रावासों में एवं वहां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके माध्यम से किसानों के हित को मारने के लिए बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। विशेष एक निष्पक्ष टीम बना करके गौचारा अनुदान में एवं हमारे किसानों का जो हक मारा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। मेरे क्षेत्र में बहुत विकास के माध्यम है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां एवं बहुत सारी कंपनियां आई है, वहां जो CSR का फंड है मेरे विकास में लगे। चूंकि रामदेरा बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है, जिस प्रकार आप धार्मिक स्थानों का विकास करते हैं, बाबा रामदेव 36 एकोप सभी समाजों के देवता हैं, वो रामदेरा का विकास किया जाए। पोकण नगर पालिका 1936 में बनी है, देश आजाद होने से पहले, परंतु आज भी ढांचा ऐसा पड़ा है कि वहां लगता नहीं है कि आप नगर पालिका गए हो या किसी गांव में गए हो। इसलिए उसको ध्यान में रखें, ऐतिहासिक नगरी है, परमाणु नगरी है,
पोकण का विकास हो, पोकण के क्षेत्र का विकास हो, पोकण सिंचित एरिया कैसे हो उसके लिए एक योजना बनी हुई है, पोकण सिंचाई परियोजना उसको लागू किया जाए। हमीर सिंह जी विराजे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनमें पोकण वहाँ से निकल करके नाचना से निकल करके बायतू तक एक नहर योजना चलती है, सिंचाई के लिए नहीं है, पेयजल के लिए। परंतु आप सुनिए, जब क्लोजर आता है और उस समय यदि पानी नहीं मिलेगा तो पानी कैसे पहुंचेगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि फलसुंड के अंदर बहुत बड़ा एक हब बनाया जाए पानी का, ये 550 गांवों में आपातकालीन पानी योजना सुचारू की जाए। मैं इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार को जिन्होंने राजस्थान के विकास के चार चांद लगाने के लिए इतना सुंदर और सटीक बजट बनाया। और मैं धन्यवाद और आशा आपसे भी रखता हूँ, आइए राजस्थान के विकास में 5 साल अपने कर्तव्य का निर्बाध, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे, एक होकर के राजस्थान के विकास में संकल्प होकर के काम करेंगे। जय जय राजस्थान, जय जय भारत। अशोक चांदना।